नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के स्पेशल ब्लॉग में दोस्तों आज का ब्लॉग में जा रहे हैं थे हम बूटाटी और चलते चलते हमारी नज़र पड़ गई इस मुंजे के पौधे पे तो हमने सोचा आपको मूंजे के पौधे से अवगत करा दिया जाए दरअसल हमारे दोस्तों ये है ना मारवाड़ का बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस पौधा है और पौधा भी क्यों है कि क्योंकि मतलब इस पौधे के नाम में हमारे यहाँ झोंपड़े बनते हैं छपरे बनते छपरे बोलते हैं जिसने आपने सुना है छान भी बोलते हैं मारवाड़ी में वो बनते हैं झाड़ू भी बनते हैं तो मतलब नज़र पड़ गई थी तो मैंने सोचा चलो आपको इससे बारे में छोटी सी जानकारी दे दी जाए और दोस्तों अब चल रहे हैं हम धीरे धीरे बुटाठी की ओर और, और लगभग यहाँ से बुटाटी लगभग तीन किलोमीटर है और मैं चल रहा हूँ बाइक ले के, और पीछे जो पैदल यात्री आए हैं बांदीकुरी से उनके मतलब वो पीछे पीछे चल रहे हैं और हमें आगे आगे चल रहे हैं आगे जाके के एक दो किलोमीटर आगे जाके रुक जाएंगे और पीछे से वो आ रहे हैं तो आपको भी उनके बारे में मिलाएंगे बताएंगे कि वो कहाँ से आए हैं कैसे आए हैं तो आप बस वीडियो से जुड़े रहिए और बूटाटी के बारे में भी दोस्तों बूटाटी भी जा रहे हैं तो रास्ते में हमारी नज़र पड़ गई थी लोक देवता तेजा जी महाराज की मूर्ति पे तो हमने सोचा आपको लोक देवता तेजा जी महाराज की मूर्ति के भी दर्शन करा दिए जाए दोस्तों ये बूटाटी में जैसे ही घुसते हैं एंटर होते हैं और वैसे ही है तो हमारे राजस्थान के मारवाड़ के लोक देवता तेजा जी महाराज की मूर्ति लगी हुई थी तो हमने भी मूर्ति के दर्शन कर लिए हाथ जोड़ लिए और फिर आपको भी मतलब सोचा कि चलो आपको भी बता देते हैं तो इसलिए हमने आपको भी तेजाजी महाराज की मूर्ति बता दी और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ के जो मंदिर का ओरण बोलते हैं हम यहाँ और दरअसल क्या है कि जो मंदिर की जो भूमि होती है ना उसे हम यहाँ मारवाड़ी में ओरण कहते हैं तो उस ओरण में पहुंच चुके हैं और ये लगभग एक किलोमीटर है यहाँ से और हम चल रहे हैं बुटाटी की ओर और।, और दोस्तों मतलब यहाँ से बुटाटी में लगभग हज़ारों किलोमीटर से विदेशी लोग भी आते हैं और आपको पता ही होगा कि बूटाटी एक राजस्थान में मारवाड़ में नागौर जिले में एक ऐसा स्थान है जहाँ पेरालाइज किसी भी प्रकार के पेरालाइज हो उसका एकदम परफेक्ट और हंड्रेड परसेंट इलाज होता है ना तो इसमें कोई दवाई दी जाती है ना इसमें कोई झाड़ फूंक किया जाता है बस केवल और केवल साधिन या रह के परिक्रमा लगानी पड़ती है और परिक्रमा लगाने के मात्र से ही यहाँ से पैरालाइज का रोग है जो आपके जड़ से ख़त्म हो जाता है और दोस्तों मतलब कहते हैं आस्था भी बहुत बड़ी शक्ति है तो इसलिए दोस्तों मतलब आस्था भी रखनी बहुत जरूरी है और ये देखिए दोस्तों भुटाटी में मतलब जो लोग दुकानें बनी हुई हैं हर पार कर की खाने पीने की मतलब आपको हर जरूरत की हर छोटा मोटा सामान मिल जाता है लेकिन दोस्तों क्या है कि अब ना ये आज जैसे हम भुटाटी पहुँचे हमें पता चला कि भाई अतिक्रमण में मतलब लोगों ने बहुत ज़्यादा कर रखा था इसलिए सारी की सारी दुकानें मतलब दोस्तों एक दो दिन के लिए ही है और ट्रस्ट अपनी दुकानें बनाएगा और फिर उन दुकानों में अपनी लोग बाग है जो किराए देंगे तो दोस्तों अभी तो लोगों ने जहाँ जगह देखी वहीं अपने मतलब दुकानें लगा ली थी और इसलिए ना ये अतिक्रमण समझ के और इन सारी दुकानों को तोड़ने वाले हैं

तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट बार बुटाटी आ रहे हैं पैरालाइज इलाज के लिए तो दोस्तों आपको यहाँ पर मतलब कोई प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था हो रखी है और खाना भी बिल्कुल एकदम निःशुल्क है केवल आपको बना के खाना है आपको कच्ची सामग्री दे दी जाएगी जिसमें आटा दाल लोन मिर्च हल्दी धनिया सब कुछ शामिल है और हरी मिर्च मतलब वगैरह हरी सब्जियाँ सारी सब कुछ है ना बिल्कुल फ्री है आपको ना केवल है ना कच्चा सामान दे दिया जाएगा बना के खाना है रुकने की अच्छी व्यवस्था है सात दिन मात्र मात्र सात दिन यहाँ रह के फेरी लगाने से किसी भी प्रकार का पैरालीज हो वो हंड्रेड परसेंट ठीक हो जाता है बस इसी चमत्कार को नमस्कार है और ये देखो लोग बात कहाँ कहाँ से आते हैं बेचारे और कहते हैं कि रोगी ठगाता है या भोगी ठगाता है दोस्तों लेकिन यहाँ पर ठगने जैसी कोई प्रकार की बात नहीं है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बस आइए महाराज का नाम लीजिए और यहाँ पर सात दिन रह के और इनकी सुबह और शाम दोनों टाइम परिक्रमा लगाइए किसी भी प्रकार का पैरालाइज हो आपके हंड्रेड परसेंट ठीक हो जाएगा दोस्तों और मतलब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मतलब आपको खाना पीना सब कुछ फ्री है कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं ये देखो ये हेमन जी आए थे पैदल ये है दोस्तों हमारे पैदल यात्री हेमंत जी जो आपसे मिलवाएंगे अभी पैदल देखो आस्था में बहुत बड़ी शक्ति है दोस्तों इन्हें भी मतलब महाराज की कृपा से मतलब आशीर्वाद मिला था प्रभु का तो इसीलिए ये भी है ना अपनी आस्था रख के पैदल आए हैं और अब चलते हैं मंदिर के गर्भ गर्भ की ओर दोस्तों वैसे तो ना मंदिर के गर्भ गर्भ में कैमरा अलाउ नहीं है लेकिन कैसे भी कोशिश करके मतलब मैंने ना वीडियो बनाने की कोशिश की है क्योंकि अभी है ना जैसे कि दोपहर का समय है सुबह शाम तो यहाँ पर है ना मतलब मरीज़ों की लाइन लगी रहती है इसलिए मतलब मंदिर के दर्शन सही तरह के नहीं हो सकते पाते लेकिन हम क्या दोपहर का समय था तो हमने मिल गया मतलब दर्शन करने का सौंपा तो के तो मतलब मैं धीरे धीरे कैमरा लेके बढ़ रहा था और ये देखिए दोस्तों ये है मंदिर मेन मुख्य मंदिर दोस्तों ये देखिए दोस्तों दिन भर दिन भर लोग बाग आते रहते हैं यहाँ बाहर से खूब लोग बाग आते हैं ऐसी नहीं है दोस्तों के कि यहाँ पर ना जैसे केवल पैरालाइज वाले भी आते हैं जिनमें आस्था होनी चाहिए बस वो भी आते हैं और यह देखिए दोस्तों धूणा है दरअसल धूणा की निर्माण कार्य चल रहा है इसलिए आहिस्थाई तौर पर ये ना धुणा आिस्थाई तौर पर इधर लगा रखा है देखो आपको ये दिखाते हैं देखो धोणा ना ये इस साइड है ये धोणे का निर्माण चल रहा है ये धोना पहले मतलब पुराना धुणा था लेकिन इसका नया निर्माण हो रहा है इसलिए आस्थाई तौर पर इसको धूणा यहाँ बना रखा है दोस्तों अब चलते हैं मंदिर के बाहर की ओर परिक्रमा लगा दी है हमने तो दोस्तों पूरे मंदिर परिसर में पक्का निर्माण हो रखा है ऊपर टीन सेट बन रखे हैं मतलब ऐसी कोई प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कहाँ रुकेंगे कहाँ बैठेंगे बहुत अच्छी व्यवस्था है बुटाटे में मेरे दरअसल क्या है नानी जी के पैरालज हो गया था दोस्तों लगभग आज के दस ग्यारह साल पहले तो उस समय हम खुद है न यहाँ सात दिन रुक के गए थे सात दिन में ये रुका था पता ही नहीं चलता कि सात दिन कब कैसे निकल गए यह है दोस्तों शिव जी राम जी इन्होंने सोचा कि मतलब फ़ोटो खींच रहे हैं इसलिए ये बोल रहे तो सात दिन दोस्तों मैं खुद रुका था यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है बहुत शानदार व्यवस्था है मेरी नानी जी है ना एकदम पूर्ण स्वस्थ हो गए थे उनकी तो देखो उम्र भी बहुत ज़्यादा थी और दोस्तों रुक मतलब यहाँ ए व्यवस्था भी है वैसे क्या है तो ये कस्बा लेकिन यहाँ ए व्यवस्था भी है मतलब अगर मान लो आपके कोई लोग बाग है जो मतलब फ्रीका नहीं खाना चाहते तो यहाँ पर मतलब बाहर होटलें वगैरह है आप वहाँ भी खा सकते हो लेकिन ऐसी बात नहीं है आप प्रसाद आप समझ के भी आप यहाँ पर भोजन ग्रहण कर सकते हो यह देखिए दोस्तों पूरा टीन साइड से मतलब मंदिर का जो निर्माण हो रखा है और ठहरने की जो व्यवस्था है वो पक्के निर्माण है उधर तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा